नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के सामने सरकार जो प्रस्ताव पहले रखी हुई थी वो आज भी बरकरार है। बैठक में पीएम मोदी ने हिंसा को लेकर चिंता भी जाहिर की। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आज जो बात कही है उसका हम स्वागत करते हैं। हमारी तो बस छोटी सी मांग है, तीनों काले कानून वापस लो और एमएसपी पर कानून बना दो। उम्मीद है कि अब सरकार किसानों की ये छोटी सी मांग जरूर मानेगी। हमने बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। तो आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के सामने सरकार जो प्रस्ताव रखी थी वो आज भी बरकरार है। बैठक में पीएम मोदी ने हिंसा को लेकर चिंता भी जताई। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि हमारी तो बस छोटी सी मांग है कि तीनों काले कानून वापस लो और एमएसपी पर कानून बना दो। उम्मीद है अब सरकार किसानों की ये छोटी सी मांग जरूर मानेगी। हमने बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए हैं। वहीं एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को बजट को लेकर एनडीए के एजेंडे पर चर्चा के लिए शनिवार को होने वाली सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक में आमंत्रित किया गया है, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से वे शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं इस आमंत्रण पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्य किया, जिससे हमारे गठबंधन को काफी नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा की बार के सदस्यों ने धरना दिया और भूख हड़ताल रखी। मैं भी उसमें बतौर सदस्य शामिल हुआ। अब किसानों की मदद बार एसोसिएशन करेगी। दीपेंद्र ने कहा कि बार के सदस्यों ने निर्दोष किसानों को फ्री कानूनी मदद देने का आश्वासन दिया है। सरकार किसानों के आंदोलन की गंभीरता को समझे। सरकार से मांग है कि बातचीत किसानों से करें और समाधान निकालें। उन्होंने कहा, मैं किसान के बेटे के नाते विपक्ष के सांसद के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर गया और किसानों की मांगों का समर्थन किया है। पंजाब एंड हरियाणा बार के सारे जो एडवोकेट साथी थे उनके साथ मिलकर हमने धरना दिया और आज हंगर स्ट्राइक भी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पे रही। किसानों के समर्थन में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बार के सदस्यों ने जिसमें जो शामिल रहे और उसमें सभी साथियों ने ये बात संकल्प लिया कि हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और निर्दोष किसानों के लिए एक बार ने, मैं बार का धन्यवाद करता हूँ कि बार ने एक बात ये भी रखी कि भाई निर्दोष किसानों के लिए हम निशुल्क भी कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हम आगे आएंगे। तो आज चंडीगढ़ का जो ये इस उपलक्ष्य पे जो है कार्यक्रम था। अब मैं आंदोलन को लेकर दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। ना भूले कि जबरदस्ती अगर आंदोलन को दबाने का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार प्रयास करेगी जबरदस्ती दबाने का तो उतना ही आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होगा। सरकार स्थिति गंभीरता को समझे। सरकार की जिम्मेदारी है कि समाधान निकाले, ना कि टकराव की स्थिति। सरकार और सत्ताधल टकराव को और बढ़ाने के लिए कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे टकराव और बढ़े। उनको तो ये चाहिए कि गंभीरता को समझते हुए बातचीत का रास्ता दोबारा से खोला जाए। मैं मांग भी करता हूँ ये सरकार से कि बातचीत का रास्ता दोबारा खुले और किसानों को विश्वास में लिया जाए, तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए,
उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को तुरंत समाप्त करवाए सरकार। ये हमारी मांग सरकार से। जनवरी को जो जिस प्रकार की जो घटनाक्रम हुआ था उसमें जहाँ भी कोई उपद्रव की बात आई थी, चाहे वो लाल किले की बात हो, चाहे वो कहीं कहीं पुलिस से उपद्रव की बात आई हो, उसी सारे इस प्रकार के घटनाक्रम की न सिर्फ हम निंदा करते हैं मगर हम ये मांग भी करते हैं कि उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होकर जो दोषी लोग सामने आए उस जांच में उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है कानूनन वो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किसानों के लिए जो प्रस्ताव पहले सरकार ने रखे थे उसी प्रस्ताव पर हम अभी भी बरकरार हैं। उनके इस बयान पर अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस से हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सारे मुद्दे उठाए और उसमें कृषि कानून तो है ही और उसके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी, चाहे वो लद्दाख सीमा पे हो अरुणाचल पे हो, हम सरकार के साथ है। हमारे एक्सटर्नल मुद्दे पे, विदेशी मुद्दे पे सरकार के साथ हम खड़े हैं, लेकिन ये सारे विषय को सदन में चर्चा होना चाहिए। एक तो कृषि कानून, इसको हम वापसी लेने के लिए गुहार लगाई। दूसरी तरफ बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति की चरमरासा की हालत और हमारे सिक्योरिटी मतलब नेशनल सिक्योरिटी, और इसके साथ गुलाम नबी आज़ाद जी जम्मू कश्मीर की मुद्दा भी उठाई। उन्होंने ये कहा कि हमारे स्टेटहुड वादा किया था सरकार, वो स्टेटहुड को वहाँ पुनर्स्थापित करे, यही है सब। नहीं, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले आज छोटे पार्टी के लिए थोड़ा बहुत पैरोवी किए हैं उनका, मतलब छोटे जो पार्टीज ऑल पार्टी मीटिंग्स में योगदान किया था उनका आज एक मांग था कि उन्हें भी समय दिया जाए, सदन में चर्चा करने में उनको भी समय दिया जाए, समय की कमियां उनका होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये कहना है कि देखिए बड़ा पार्टी ज़्यादा समय ले लेते हैं, कभी हो हल्ला में बड़ा पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं होते, और उसमें उन्हें एनडीए के भी नाम लिए हैं, एनडीए भी है दूसरे बड़ा पार्टी है, अगर बड़ा पार्टी के अंदर कोई टकराव हो तो छोटे पार्टी का इसका असर भुगतना पड़ता, इनका खामियां भुगतना पड़ता। फिर भी उन्होंने पैरोवी किया कि छोटे पार्टी को भी ज़्यादा समय दिया जाए, सदन के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर उन्होंने अपना पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कह दे कि उनको भी ज़्यादा समय दे, सदन लंबा खींचेगा कोई हर्जा नहीं, सदन में समय होते हैं पार्टी की संख्या पे नहीं, एमपीस के संख्या पे होते हैं कि और साथ साथ पार्टी का भी, क्योंकि सदन तो एक समय तक चलते हैं, उस समय के अंदर सबको एकोमोडेट करना पड़ता। अगर सब पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे कोई हर्जा नहीं, सदन और खींचे कोई हर्जा नहीं है इसमें। रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले हाईटेक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके तहत आने वाले श्रद्धालुओं और उनकी जुड़ी जानकारी पहुंचने से पहले सुरक्षा अधिकारियों के पास होगी। इसके साथ पूरे अयोध्या के सभी प्रमुख स्थलों और उनसे जुड़े मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा और वॉच टावर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी पर्याप्त होगी। राम मंदिर निर्माण के नींव बनाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और 3 माह में नींव तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद 39 महीने में भव्य मंदिर का भी निर्माण पूरा होगा। वहीं डीआईजी और एसएसपी दीपक कुमार के मुताबिक अयोध्या की सुरक्षा को लेकर विकास प्राधिकरण और पुलिस विभाग पूरी शिद्दत के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं। तो मैंने आपसे कहा कि इसके लिए हम लोग पुलिस विभाग और अयोध्या विकास प्राधिकरण जो है हम लोग पूरी शिद्दत के साथ जो भी अयोध्या जी की सुरक्षा के लिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि अयोध्या जी का नाम और जो जिस तरह से लोगों की आस्था पूरे विश्व में रहने वाले लोगों की उम्र रही है
और जिस तरह की भीड़ अचानक बढ़ रही है, जैसे 1 जनवरी को 48,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए, तो वहाँ पर भी किस तरह से, ताकि अयोध्या जी के आम लोगों को कोई कठिनाई नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए, और सुरक्षा के साथ साथ लोगों, देखिए सुरक्षा का ये उद्देश्य नहीं है कि हम जो श्रद्धालु आए उनको 4 बार चेकिंग करें, उनको परेशान करें। सुरक्षा का अर्थ है कि एक ऐसा माहौल हम क्रिएट करें जिसमें आम लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, इन्हीं का गाड़ी नंबर है उसको दूर से 1 किलोमीटर पहले से ही हम लोग पढ़ लें, उसका पूरा एक डाटा हमारे पास फीड हो, और आम श्रद्धालु आनंदपूर्वक आएँ और उनके मन में पुलिस की एक मित्र छवि बने, इस तरह की हम लोग व्यवस्था करेंगे, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से वॉच टावर भी हम लोगों द्वारा लगवाया जा रहा है, और जो राजकीय निर्माण निगम है वो इस काम में आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शनिवार को प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर 15 दिनों में सभापति का चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि जब तक सभापति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक अंतरिम प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाए। सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला और अपनी मांगे रखी। सभापति महोदय का रिटायरमेंट है और आज रात में 3 बजे तो 12 बजे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे समय में विधान परिषद की कोई नई व्यवस्था देनी है, इसलिए हमने हमारे दल के नेता विधान परिषद में श्री अहमद हसन साहब की ओर से पूर्ण समाजवादी पार्टी के MLCओं की तरफ से अपना सुझाव और राय गवर्नर महोदय को रखी है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी की तरफ से पार्टी संगठन की भी राय भी रखी है, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं हैं कि लोकतंत्र को का गला घोटकर सदन को पे कब्जा करने की मानसिकता से लगातार प्रेस मीडिया सोशल मीडिया के मार्फत ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मनमाफिक प्रोटम स्पीकर बनाकर लगातार सदन को बगैर सभापति के चलाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए इस संबंध में हमने बहुत डिटेल्ड माननीय गवर्नर महोदया को स्थिति से अवगत करा दिया है कि संविधान का आर्टिकल 182 स्पष्ट रूप से कहता है कि सभापति चुनने का अधिकार विधान परिषद का है, और शीघ्र से शीघ्र है। इसी में 184 ये कहता है कि अगर सभापति उपसभापति कोई नहीं है तो गवर्नर महोदया किसी को नियुक्त कर सकती हैं जो एक रिटर्निंग ऑफिसर की तरह या तत्कालिक काम के लिए अल्प समय के लिए काम करेगा। इस संबंध में बहुत सारे अदालतों के फैसले हैं। पार्लियामेंट में किसानों के आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर शुक्रवार को विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बॉयकॉट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर किसान और केंद्रीय कृषि मंत्री के बीच सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। उनके इस बयान पर आप नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, एक फ़ोन से दूर है या एक निर्णय से दूर है वो तो प्रधानमंत्री जी को तय करना है, लेकिन निर्णय सिर्फ एक मांग रहे हैं किसान, तीनों काला कानून वापस लो। उनका वन लाइनर है, वो कह रहे हैं कि डेथ वारंट में संशोधन नहीं हो सकता है, डेथ वारंट वापस होता है, और किसान इस कानून को अपने लिए डेथ वारंट मानता है, तो वो तो साफ तौर पर कर रहे हैं। और आप कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? आपके विधायक ने साफ तौर पे ये कहा, ये सुनिए आप, जूते मार के ठीक कर देंगे सरकार, इनको उड़ा दे जो बॉर्डर पे बैठे हैं। ये पाकिस्तान के लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं, ये इस देश के अन्नदाता हैं जो हमारा आपका पेट पालते हैं, और बीजेपी का विधायक कहता है सरकार इनको उड़ा दे, इनकी हत्याएं कर दे, इनको मरवा दे, ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग। अब आप समझ सकते हैं, कल जो सिंगो बॉर्डर पे हमला हुआ वो भी बीजेपी के लोगों ने किया। तो बीजेपी एक तरफ अन्नदाताओं को कुचल रही है, दूसरी तरफ देशद्रोह कर रही है।
देखिए, आप इंटरनेट सेवाएं बंद कर सकते हैं, उन पर लाठियां चलवा सकते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं, पानी की बौछारें कर सकते हैं, NIA का मुकदमा कर सकते हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं, उन पर हमले कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन उनके आंदोलन को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि किसान मन बनाकर आया है। पहले BJP कहती थी ना कि आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित है, आप जाकर देखिए मुजफ्फरनगर में कल कितनी बड़ी रैली हुई, आज मथुरा में क्या हुआ आप देखिए। छत्तीसगढ़ में रायपुर के जेतसवार मठ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान CM भूपेश बघेल ने कहा कि वो क्षण जब वहशी दरिंदा और वैचारिक विक्षिप्त ने गांधी जी को 3 गोली मार दी थी, जिसे हम नाथूराम गोडसे के नाम से जानते हैं, दरअसल लोगों को बांटकर नफरत कराने वाली विचारधारा तब भी थी और आज भी है। बापू अहिंसा के पुजारी थे, ऐसे शख्स पर इस कदर हमला किया गया। हिंसा क्रोध में की जाती है, मगर सोची समझी साजिश के तहत नाथूराम पहले गांधी जी के पास आया, प्रणाम किया और 3 गोलियां उनके सीने में उतार दी। CM ने आगे कहा कि जेतू साफ मठ में आजादी के वक्त क्रांतिकारी जुटते थे, आजादी के आंदोलन की यहाँ रणनीतियां बनाई जाती थी, यहाँ बापू आए और मंदिर में अछूतों को प्रवेश दिलवाया, आपस में दूरियों को मिटाने का संदेश दिया। आज भी समाज के हर वर्ग में सौहार्द कायम करने की जरूरत है, ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते, मगर मैं युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि उनके प्रभाव में आए बिना देश में एकता को बढ़ावा दें और भारत माता की सेवा करते हुए देश के विकास में अपना योगदान दें। पूरे राष्ट्र आज शहीद दिवस मना रहे हैं, गांधी जी के आज ही के दिन उसकी हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, और इसलिए आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना भी की जाती है, भजन भी का आयोजन होता है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है। जैतू साव मठ बहुत ही प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन मठ, लेकिन ये क्रांतिकारियों के, कांग्रेस के, आज़ादी के दीवानों का एक गढ़ रहा है, और यहीं आके रणनीति भी बनती थी, कार्य योजनाएं भी बनती थी, और ये इसी कारण से अंग्रेज जो सिपाही थे वो लगातार दबिश देते थे, और यहाँ से इस जैतू साव मठ में अनेक दरवाजे हैं, अनेक सीढ़ियां हैं, तो अनेक आंदोलनकारी कभी छिप जाते थे, कभी यहाँ से दूसरे सीढ़ी से निकल जाते थे। ऐसे अनेक उदाहरण मनोहर श्रीवास्तव के बारे में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 5:17:30 में जिस समय नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के चरण स्पर्श करके गोली उसके सीने में उतारी थी, उसी क्षण में 2 मिनट का मौन भी इस कार्यक्रम में रखा गया, और हम सब वातावरण इस प्रकार से बनाया गया जैसे उस क्षण में हम लोग जी रहे थे, आज़ादी की लड़ाई में किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, ये वही हाल है जहां वो बैठा करते थे, उन सब से जोड़ के बहुत पुनीत कार्य हमारे मठ के साथियों ने किया, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। सर, पार्लियामेंट में सर्वदलीय बैठक हुई सर, उसमें मोदी जी ने कहा है कि सिर्फ हम लोग सिर्फ एक कॉल दूर है, हम लोग डायलॉग से चर्चा करके हम लोग किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, लेकिन एक कॉल दूर है वो सर। कौन रोक रहा है? किसान तो बहुत ही गांधीवादी तरीके से, लाखों किसान गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, एक दर्जन बार बैठक कर चुके हैं, और उनकी एक ही मांग है, लेकिन तरह तरह से घुमाने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये पूंजीपतियों के हित में है ये तीनों काले कानून, और इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं, इसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। जब 1.5 साल के लिए आप हटा रहे हैं तो हमेशा के लिए हटा दें, वो हटा दें तो ये आंदोलन नहीं होगा, या हमारे छत्तीसगढ़ के म८डल को आप एडाप्ट कर लीजिए, 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस पुष्पा वीरेंद्र गनेडीवाला की स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के प्रस्ताव की मंजूरी को वापस ले लिया है। कॉलेजियम ने कुछ मामलों में उनके हालिया विवादास्पद फैसलों के बाद यह कदम उठाया।
एक सूत्र ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत यौन हमले की उनकी व्याख्या पर हुई आलोचनाओं के बाद यह फैसला लिया गया है। जस्टिस गनेडीवाला ने 12 वर्षीय एक बच्ची के अंग विशेष को छूने के आरोपित व्यक्ति को पिछले दिनों बरी कर दिया था और कहा था कि आरोपित ने त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं किया। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने व्यवस्था दी कि 5 साल की बच्ची के हाथों को पकड़ना और ट्राउजर की जिप खोलना पॉक्सो कानून के तहत यौन अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की इस दलील के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 27 जनवरी को रोक लगा दी थी कि इससे खतरनाक नजीर बन जाएगी। हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं और इतने ही लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। सवाल है कि आखिर क्यों राज्यों की सरकारें जहरीली और अवैध शराब के कारोबार और उसकी तस्करी पर रोक नहीं लगा पाती। ताज़ा मामला शुक्रवार देर शाम आगरा जिले का है, जहां एक बार फिर इतमादपुर के गांव नगला तुलसी में एक किसान की मिलावटी शराब पीने से मौत हो गई। मृत किसान के स्वजन पड़ोस के गांव गड़ी गज्जू से मिलावटी शराब की बिक्री होने का आरोप लग रहा है। क्षेत्र के 3 अन्य लोगों की भी मिलावटी शराब पीने से ही मौत की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटे में 3 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, मगर अभी तक पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही। बता दें कि नगला तुलसी निवासी 50 वर्षीय जगत सिंह किसान थे। उनके बेटे लालू ने बताया कि जगत सिंह शुक्रवार रात को गड़ी गज्जू से शराब लेकर पीने के बाद घर आए थे। रात को सोते समय उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी। स्वजन उन्हें एतमादोला क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए, वहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद वे घर लेकर पहुंचे। उनका आरोप है कि पड़ोस के गांव गड़ी गज्जू में हरियाणा की शराब में मिलावट करके उसे बेचा जाता है। थाना एतमादपुर क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि थाना एतमादपुर के गांव गड़ी गज्जू और नगला तुलसी में एक एक व्यक्ति की रात्रि में मृत्यु हुई थी। घड़ी गज्जू में मरने वाले के परिजनों ने ये बताया कि राजवीर की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी और रात्रि में उनकी डेथ हो गई है। नगला तुलसी के जगत सिंह की मृत्यु हुई, उनके परिजनों ने बताया कि रात्रि में शाम को शराब पीकर आए थे और तबीयत खराब होने के उपरांत उनकी मृत्यु हुई है। दोनों को डेड बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के उपरांत भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी सूचना प्राप्त हुई कि नगला नया बांस गांव में भी एक व्यक्ति की रात्रि में मृत्यु हुई है, उनको भी डेड बॉडी को भेजकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और आगे की कार्रवाई जो है टीमें लगाकर छानबीन भी की जा रही है कि किन परिस्थितियों में ये मृत्यु हुई है। और बिहार में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों को देश के किसानों का समर्थन है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महागठबंधन की आयोजित मानव श्रृंखला में देखा गया, इसमें किसान शामिल नहीं हुए। इससे पहले भी विपक्ष के भारत बंद और धरना को किसानों ने समर्थन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के किसान धन्यवाद के पात्र हैं कि कृषि कानूनों का समर्थन किया। आज वही माले व वामपंथी इस कानून का विरोध कर रहे हैं जो कभी बिहार में किसानों की जमीन हड़पते रहे हैं। 1.5 साल तक इस कानून को स्थगित करने के लिए तैयार है, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व नक्सली वामपंथी और ऐसे लोग जिनका हिंसा में विश्वास है, वैसे लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उसी का परिणाम था कि 26 जनवरी को और जिस प्रकार के लाल किले की प्राचीर पर और लाल किले में जो हिंसा हुई है वो दर्शाता है कि यह आंदोलन जो है अब किन लोगों के हाथ में चला गया है। इसलिए मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने वामपंथियों के और इस मानव श्रृंखला के आंदोलन को कार्यक्रम को विफल कर दिया। और सबसे हंसी तो आती है कि ये माले के लोग जो किसानों की जमीन पर कब्जा करने के काम करते थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये मुजफ्फरपुर जिला, मधुबनी जिला, जो एक ज़माने में भूमि हड़प आंदोलन हुआ था और जिन नक्सलियों के कारण, जिन माले के कारण मध्य बिहार में हजारों एकड़ जमीन किसान छोड़कर पलायन करने के लिए बाध्य हुआ, आज वो अपने आप को किसानों के समर्थक और हमदर्द दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो मैं देश के किसानों से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपने एकजुटता प्रदर्शित किया नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, उसी प्रकार की अपनी एकजुटता आगे भी जो है वो कायम रखें। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर टोल प्लाजा पर आंदोलनरत किसानों को वहां से हटाने के लिए पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। पुलिस 3 बार किसानों के बीच जाकर टोल को खाली करने के लिए आग्रह कर चुकी है, मगर हर बार निराश होकर लौटना पड़ा। किसानों की जिद है कि वह किसी भी सूरत में टोल को खाली नहीं करेंगे। शुक्रवार को भी किसान टोल प्लाजा पर धरना देते रहे और नारेबाजी की। बता दें कि इस स्थिति से निपटने के लिए जहां टोल प्लाजा पर पुलिस की 2 गाड़ियां तैनात हैं, वहीं किसानों के धरने पर नजर रखने के लिए खुफिया तंत्र की मदद भी ली जा रही है। शंभू टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों की संख्या पहले से कम है, जिसका मुख्य कारण 26 जनवरी को दिल्ली में हुई उपद्रव की घटना है, जबकि इससे पूर्व प्लाजा पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे। यहां तक ट्रैक्टरों की संख्या भी अधिक होती थी। उधर दिल्ली की तरफ से पंजाब जाने वाले किसानों का बदस्तूर जारी है। देखो, 26 की घटना के बाद ये सरकार की दूसरी चाल थी जो इस आंदोलन को खत्म करना चाहती थी। ये कहते हैं वो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को कोई इतराज नहीं है। स्थानीय लोग तो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। ये जो वहाँ पत्थरबाजी हुई है, दिल्ली पुलिस आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के गुंडों को लेकर आए थे, पीछे पुलिस थी आगे वो थी। जो इधर धरने पे बैठे हैं, ये तो पूजनीय महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य में लगातार जो 6 महीने से किसान संघर्षरत है, उसी कड़ी में आज जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, वो हमारे 7 किसान अनशन पर। पंजाब कांग्रेस ने नगर कौंसिल चुनाव के लिए मानसा की 27 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मानसा के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त परमिंदर मेहता ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने आज लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करके अपना प्रधान बनाएगी। उन्होंने कहा कि हम पंजाब सरकार की उपलब्धियों और विकास के एजेंडे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस प्रचोकर नू देखते हुए और जितने वाले उम्मीदवारों नू देखते हुए जिन्होंने अप्लाई किया सी ये लिस्ट रिलीज की है, और 10 साल जो विपक्ष कांग्रेस रही उदों जिहड़े लोगों ने कांग्रेस का झंडा सांभी रखिया अते बड़ी जद्दोजहद भी वह लोगों हुई, उन्होंने बड़ा धक्का भी होया, परिवारों नू भी देख के पूरा मान सम्मान देने की कोशिश की गई है, और उम्मीद है कि जेडे 27 कैंडीडेट है ये 27 कैंडीडेटा दे विच असी पूरी मजबूती दे नाल इत्थे अपना प्रधान बनावांगे, और कैप्टन सरकार दीआं जो उपलब्धियां ने, जो प्रोग्राम ने, जो विकास दे काम ने इत्थे चल रहे ने, जो शुरू हो चुके ने जां होण वाले ने, उहनां दे दम दे उत्ते असी लोकां दे विच जावांगे और लोकां दी सपोर्ट लांगे तां कि असी इस मानसा दा जिहड़ा लोगों की उम्मीद साढ़े उत्ते है असं उन्होंने पूरी कर सकी। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता जी, जो अपने मेरे विश्वास किया, पार्टी का पूरा दिलों धन्यवाद ही। तो बाकी असी सीट पार्टी की झोली च पानी है, वधिया वोटों नाल जित के। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। गौरी शंकर वर्मा सदर विधायक उरई जालोन विधानसभा जनपद जालोन की तरफ से समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के कुशीनगर के अहिरोली पुलिस और स्वाट टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल पुलिस ने नाकेबंदी कर पिकअप वाहन से तस्करी कर ले जाई जा रही 1 क्विंटल 27 किलोग्राम अवैध चरस के साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अवैध चरस की कीमत 7,62,00,000 रुपए बताई जा रही है। यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के उरौली गांव से महिलाओं सहित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और डीएम को ज्ञापन देते हुए ग्राम प्रधान हरदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपों में कहा गया कि कॉलोनी के नाम पर प्रधान द्वारा पैसा ले लिया गया है लेकिन कॉलोनी नहीं दी गई। कई बार शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। आज डीएम साहब को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। हम लोग ग्राम पंचायत उरौली से आए हुए हैं। ऐसे भीषण ठंडक में जमुना किनारे के गांव के रहने वाले हैं। 3 बार से दौड़ रहे हैं लेकिन निष्पक्ष जांच प्रधान की नहीं हो रही। हरदीप सिंह की वो इतना बाहुबली दबंग मोरा माफिया है कि लोगों से 5,000 से लेकर 15,000 तक गरीब जनता से हमारी ले लिया है। लोगों ने जेवर धर के और जमीन धर के दिया है। वो रो रहे हैं, उनके खाने की रोटी नहीं है। किस बात का पैसा? PM आवास कॉलोनी के लिए लिया है। कॉलोनी किसी नहीं मिल पाई। जो भी विकास कार्य 5 साल के हुए उसमें कोई भी काम नहीं किया और उन्हीं को एक आध तालाब वाला खुदवा करके उसको परवाद के पैसा निकाल लिया। नरेगा के लोगों में पैसा लिया गया, वो काम कराया गया, पैसा नहीं दिया गया। एक एक परिवार भूखा मर रहा है और जो भी विकास कार्य हुआ कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। अभी जाँच अधिकारी गए हुए थे 3 महीने बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, काफ़ी दौड़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री या प्रधान जिलाधिकारी मिलने के बाद तो गए या तुरंत केवल घूमे टहले और बस चले आए। कहा मेरे पास समय नहीं, मीटिंग लगी है। हमने कहा अभिलेख जो प्रमाणित होना चाहिए जिसकी जांच किस आधार पर कर रहे हैं तो कहा DPR साहब समझे मुझे फुर्सत नहीं है। PM साहब के पास काहे के लिए आई हो दाई? हम आई हैं कॉलोनी के, हमारे 5,000 रुपया लिए तो डीएम साहब के पास आई और जाते दुआरे तो हमका गाड़ी देते हमारे का दौरा कौन हरदीप सिंह प्रधान उरौली का। अब मैं जात के डुमारी टट्टी झाड़ झाड़ के पैसा साहेब दीन हूँ और कुरिया डारे पारी हूँ पन्नी डारे नान नान के दूठे बच्चे न मेरे कुतहूँ ना लड़का कूनिया अकेले राड़ बे वहाँ से। क्या कहता है प्रधान? वो नहीं कहता कि आगू की पंसवारी में तुमको मिली तो आगू की पंसवारी में तो कौन नान है वता नहीं उहारे तो क्या आगू की पंसवारी में हमका दे। लेटरिंग मिली है आपको? हाँ लेटरिंग तो मिल चुकी। क्या नाम है आपका? राज रानी। कौन से गाँव से आई? उरौली से। दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा और हुड़दंग के बाद पूरे देश में रोष है। जगह जगह हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम में सामाजिक संगठन के लोगों ने गुरुग्राम की सड़कों पर तिरंगा सम्मान यात्रा निकालकर एकता और अखंडता का संदेश दिया और उन हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने की मांग की जिन्होंने लाल किले पर शर्मनाक हरकत की थी। गुरुग्राम वासियों की माने तो किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। आज तिरंगा सम्मान यात्रा है। कुछ लोग भूल गए थे कि तिरंगे का सम्मान हमारे लिए सबसे पहले है। लाखों लाखों लोगों ने इसकी कुर्बानी दी है झंडे को फहराने के लिए। आज वो लोगों को जो भूल गए थे उनको ये बताने के लिए कि आज देश का नागरिक जाग चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्यकर्ता ना बनकर आज पहले देश का नागरिक बनकर इस सम्मान यात्रा में जनमानस के साथ निकला है। इसका मकसद कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा मकसद है हिंदुस्तान की जो जनता है
जो तिरंगा है हमारा आन बान शान, जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, तो उसको जो 26 जनवरी पे जो कार्य हुआ है, वहाँ पे जो गलत काम हुआ है, उनके खिलाफ खड़े हैं हम। क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग खड़े हैं, हर दल के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कोई सी भी जगह का है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम पार्टी का है, चाहे कोई भी है, पूरा यहाँ पे दल इकट्ठा हुआ पड़ा है। क्योंकि ये तिरंगे की शान हमारे हिंदुस्तान की शान है, जिसके लिए हमारे सैनिक हमारे सर्दियों में, गरीबों में, इतने तापमान में जो खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा जो कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की जो रक्षा कर रहे हैं, ये उनका अपमान है। चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत महोबा कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पर उन्होंने विभागों का निरीक्षण किया और साथ ही सभी विभागों की समयावधि के अंदर काम निपटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण में तहसील परिसर में गंदगी, लापरवाही से लगे आधे अधूरे अग्निशमन यंत्रों को ठीक कराने के निर्देश दिए। मंडल आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल ने महोबा पहुंचकर जहां विभागों की फाइलों को बारीकी से चेक करते हुए अधूरे पड़े कामों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए, तो वहीं अग्निशमन यंत्र को लेकर भी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलाने के निर्देश दिए हैं। आज मैंने महोबा तहसील का आकस्मिक निरीक्षण किया है। आकस्मिक निरीक्षण का उद्देश्य होता है कि कुछ वास्तविक जानकारी हो जाए, और मैं यहाँ पर आया था, तहसीलदार साहब उपस्थित मिले, स्टाफ भी उपस्थित मिला है, और सारी चीज़ों का हमने यहाँ पर देखा है। स्टाफ की थोड़ी कमी है, वर्तमान में हमने जिलाधिकारी महोदय से भी अपेक्षा की है कि हर गांव में खेल के मैदान के लिए जो ज़मीन छूटी है उसको खाली करा करके वहाँ पर खेल का मैदान बना दिया जाए, युवक मंडल दल का गठन कर दिया जाए, जिससे कि खेल कूद की गतिविधियों के लिए सुविधाएं गांव में हो जाएं, नौजवान हमारे वहां पर जाएं और अपने खेल कूद में भाग लें। 1 फरवरी को सभी प्राथमिक विद्यालयों में उस विद्यालय से पढ़े हुए पुरातन छात्रों का सम्मान हो बुला करके, ये किया जाए। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक हमारी लेखपाल जो है खेत खेत जा करके पड़ताल करते हैं, उसका भी मैंने देखा, पड़ताल यहाँ पर की गई है और जो बचा होगा वो 15 फरवरी तक कर लेंगे। वसूली का भी हमने देखा है, इसके अलावा जो और इनके रेवेन्यू के काम हैं उनको भी देखा है, साथ साथ जनसूचना का भी काम थोड़ा सा यहाँ पिछड़ा हुआ है, जनसूचनाएँ समय से मिल जाएँ ये सुनिश्चित कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर स्टाफ कम है उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे कि काम यहाँ पर तेजी से बढ़े। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता को शनिवार को ओल्ड फरीदाबाद में तिरंगा यात्रा के दौरान उस समय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ गया, जब यात्रा के दौरान दुकानदारों ने विधायक नरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद के नारे लगाकर उनका विरोध शुरू कर दिया। मामले को तूल पकड़ता देख विधायक वहां से चले गए और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दुकानदारों पर न केवल लाठीचार्ज किया बल्कि एक दो दुकानदारों को हिरासत में भी ले लिया, जिसको लेकर मार्केट के अन्य दुकानदारों में गहरा आक्रोश नजर आया। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 2 सालों से विधायक नरेंद्र गुप्ता कभी बाजार में आए नहीं और आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से वह झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं। पुलिस ने हमारे लाठीचार्ज नरेंद्र गुप्ता के प्रति आक्रोश जताया था। नहीं, वो तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। हम हिंदुस्तानी तिरंगा यात्रा का हम सम्मान करते हैं, हम विरोध कर रहे थे। नरेंद्र गुप्ता का सभा उठा था, उन्होंने मार्केट वालों को बहुत मतलब तंग कर रखा है। अच्छा, आते हैं पुलिस वाले, आते हैं उनका सामान फेंक के जाते हैं, ऐसे सामान फेंक देते हैं, दड़े बांध पकड़ के जिप्सी में डालते हैं। अच्छा, 3 किलो पकोड़े मंगवाते हैं। अच्छा, 3 किलो पकोड़े, 3 किलो पकोड़े मंगवा के छोड़ा जाता है। कौन मंगवाता है? पुलिस मंगवाती है। आप जाके गोपी कॉलोनी के अंदर जाके बात करिए। आप जाके गोपी कॉलोनी में देखिए। आपको बताता हूँ हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हमारा क्लाइंट आता है रिक्शे में, बैटरी रिक्शे में बैठकर, उससे 100 रुपए मांगे जाते हैं एंट्री के अंदर जब भेजा जाएगा रिक्शे को। हमारा क्लाइंट
हमारे बाजार में नहीं आकर एनआईटी से परचेजिंग कर रहा है, क्या मंगल बाजार रोड पे नहीं लगता है? मंगल बाजार को लगाने के लिए क्या इन्होंने दुकानें अलाउड एनआईटी के अंदर चुंगी बजाओ आप, तो आप लोग विधायक जी से नाराज हैं? नहीं तो हमारे बाजार को गाड़ी पार्किंग की सुविधा दी हुई है, हमारा कस्टमर गाड़ी के लिए बहुत परेशान होता है। और उसके बाद नरेंद्र गुप्ता जी ने कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला प्रदेश में चौथे नंबर पर है। यहां प्रथम चरण में लगभग 78% कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण हो चुका है। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर के शर्मा ने बताया कि जिले में सामूहिक प्रयास के चलते प्रथम चरण के कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य में 78% सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि सभी की मेहनत के चलते यह संभव हो पाया है। अभी प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि 77.6% यहाँ हो चुका है और राजस्थान में ये चौथे नंबर पे है चित्तौड़गढ़ जिला पे है। और द्वितीय चरण भी उसके बाद में शुरू होगा जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें रेवेन्यू स्टाफ है, म्यूनसिपल स्टाफ है, पंचायती राज के वर्कर्स हैं, पंचायती राज को भी शामिल कर लिया है, वो भी इसमें शामिल होंगे। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला चौथे स्थान पर आया है। चौथे स्थान पर आप मेहनत का श्रेय किसको देंगे? नहीं, ये पूरे सभी पूरी टीम को आप। सर अगले चरण के लिए क्या तैयार है? अगले चरण की हमारी पूरी डेटाबेस तैयार है और उसके हिसाब से वैक्सीनेशन जब भी राज्य सरकार का निर्देश आएगा वैक्सीनेशन करना है। कोविड टीकाकरण के लिए फर्स्ट फेज में जो हेल्थ केयर वर्कर का टीकाकरण करना था उसमें हमारा 12,264 लक्ष्य मिला था और उसमें से हमने अभी आज तक 9,819 का टीका लगा दिया है जो लक्ष्य के अगेंस्ट 80% है। प्रथम लेवल की बात करें समाप्त हो चुका है, कितने लोग बचे हैं और इनको किस प्रकार से वापस टीकाकरण के लिए मोटिवेट किया जा रहा है? अभी प्रथम चरण में 2,220 के समथिंग लाभार्थी अभी बचे हुए हैं और इसके लिए हम 1-to-1 कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे कि पोलियो राउंड खत्म होगा कल से, जैसे पोलियो अभियान है, इसके बाद में हम एक बार बूथ प्लान करके और एक फरवरी या 2 फरवरी में हम एक बार वापस बुलाएंगे और 1-to-1 कॉन्टैक्ट करके कोशिश करेंगे कि 100% हमारे जिले में कोविड का। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा और बापू के पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। इस अवसर पर कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश बिचौलियों के पास गिरवी रखा हुआ है। जो यहाँ की नवरत्न कंपनियां थी उन्हें खत्म किया जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है। ऐसे समय में महात्मा गांधी की शिक्षाओं, एकता, अखंडता पर चलकर इस देश में आपसी भाईचारा और सभी वर्गों को एक साथ मिलकर चलना होगा। जबकि इस देश का किसान त्रस्त है, इसके देश का युवा त्रस्त है, ये देश जो है बिचौलियों के पास गिरवी रखा जा रहा है, जो हमारे नवरत्न कंपनियां थी उन्हें खत्म किया जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, भारत पेट्रोलियम को बेचा जा रहा है, ऐसे वक्त में स्थिरता, अखंडता और बापू जी का जो है खास तौर पे स्मरण, जो उनकी शिक्षा है, वो बहुत ही हमारे लिए मतलब ये जो रास्ता अच्छा रास्ता दिखाएगी। मैं समझता हूँ इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए हम सभी कांग्रेसजन आज प्रण करते हैं कि बापू जी के दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़कर इस समाज में आपसी भाईचारा रखेंगे, सभी वर्गों को अपने साथ मिलकर चलना होगा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 72वें बलिदान दिवस के अवसर पर पटियाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल चढ़ाए और 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष के मल्होत्रा ने कहा कि बलिदान दिवस के अवसर पर पटियाला में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिसमें हमने महात्मा गांधी की स्मृति में स्मरण किया है, उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया।
कांग्रेस कमेटी शहरी पटियाला वालों महाराजा कैप्टन रमिंदर सिंह जी, महाराणी परनीत कौर जी, बीबा जाइंदर कौर जी, उन्होंने लीडर की रहनुमाई दे विच अज उस महान शहीद आत्मा नूं याद किया जा रहा जिन्हां ने इस देश दे वास्ते अपने जीवन की कुरबानी दित्ती। और मैं समझदा हाँ कि महात्मा गांधी जी सचमुच महात्मा सीगे जिन्हां ने किसी भी लोभ लालच नूं छड के देश दे हित सोचे, देश की आज़ादी लई सोचा, देश दे नौजवान वर्ग लई सोचा, साडे देश वासियां नूं जिहड़ा है अज सुख दा सां जिहड़ा मिल रहा वो सारी दी सारी देन साडे उस महान आत्मा उस बापू महात्मा गांधी जी दी है जिन्हां नूं असीं अज याद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बने रैन बसेरे अब कागजों पर नजर आने लगे हैं। जहां यात्रियों को रात्रिकालीन विश्राम के लिए हर जिले और शहर में रैन बसेरे के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत है, अधिकारियों की उदासीनता के चलते लोगों को कड़ाके की ठंड में भी फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मामला नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा नगर परिषद का है, जहां 3 वर्ष पूर्व रैन बसेरे के लिए राशि स्वीकृत होने के बाद भी 3 साल बीत गए हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों ने रैन बसेरा का निर्माण नहीं कराया, जिसके कारण लोग काफी परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं लापरवाही की हद तो तब हो गई जब नगर परिषद द्वारा अस्थायी रूप से शोपीस के लिए मंगल भवन को रैन बसेरा बना तो दिया गया, लेकिन बाहर से ताला डाल दिया गया, जहां रात के समय ना तो कोई कर्मचारी रहता है ना ही कोई चौकीदार। ऐसा है कि अपने पहले बस स्टैंड पे बनाने के लिए राशि आई थी, जो सो वो तो मतलब 3 साल पहले आई थी। उस रैन बसेरा का भी नहीं वो पता है और मनला स्टैंड का कुछ पता है, सो आगे ना रैन बसेरा की मतलब जो लोग हैं ठंड में गलगलाते घूमते हैं वो तो भटक ही रहे हैं, और जो नए साल में जो व्यवस्था दी गई थी मंगल भवन में अस्थायी रूप से जो व्यवस्था दी गई है रैन बसेरा बनाया गया, यहाँ पर क्या स्थिति? उधर की स्थिति ये है कि आप खुद देख रहे हैं, इधर लगाया तो बोर्ड लगाया गया है और इधर ताला डाला है, ना इधर कोई है, ना इधर चौकीदार है, ना नगर परिषद का कोई जो है कर्मचारी वो भी नहीं है इधर। मध्य प्रदेश के रीवा में सामाजिक क्षेत्र के लिए समर्पित एक संगठन ने युवा हुंकार कार्यक्रम के तहत नववर्ष मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, पत्रकार, नगर निगम कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, बुजुर्ग और कोरोना काल में कार्य कर रहे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संगठन के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा ने कहा कि युवा हुंकार कार्यक्रम का उद्देश्य युवा भाइयों को एक साथ लेकर समाज सेवा करना है। युवा हुंकार कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021 के लिए युवा एकता परिषद द्वारा नववर्ष मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य युवा भाइयों को एक साथ एक मंच पे लाकर और समाज सेवा के क्षेत्र में और युवाओं को जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम किया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन के जीवाजी गंज थाने की पुलिस को वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पुलिस को सांपों के तस्करों के सक्रिय होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर सैंड बोआ सांप की तस्करी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस सांप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मानी जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिर इस सांप को कहां से लाया गया था और कहां इसे बेचने की तैयारी थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में कृषि कानून वापस करवाने के लिए किसानों ने भूख हड़ताल की। किसानों ने कहा कि जिस तरह गांधी जी का कत्ल किया गया था उसी तरह पीएम मोदी किसानों का कत्ल कर रहे हैं। कृषि कानून लागू करके किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही होगा, नहीं तो विरोध इसी तरह जारी रहेगा।
वही है कि जो संयुक्त किसान मोर्चे ने हुक्म किए हैं कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की जड़ी मौत सी वो नथू राम गौडसे ने की सी और उस तरह ही असं अभी समझते हैं कि जो साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो समुचे देश नू जड़ा है वो कतल कर रहे हैं। जो अंदोलन किसान का अंदोलन दिल्ली विखे चल रहा है, जो मौजूदा सरकार हैगी है BJP की सरकार अपने गुंडे भेज के किसानों के उत्ते तशद्दुद ढा रहे हैं, अज उस दे खिलाफ मलोड़ के गुरु नानक देव चौंक विच किसानों ने बहुत ही कट करके भुख हड़ताल की हुई है। असी सरकार नूं चेतावनी देना चाहते हाँ कि जे किसानों से इस तरह के तशद्दुद करने ना हटे तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आएंगे तो दिल्ली वल भी हीरा कर देंगे। इस करके असी सरकार नूं कहना चाहते हाँ कि ये तिने कानून जल्दी तो जल्दी रद्द करो। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO VS कुंडू चंडीगढ़ से फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के आला अधिकारियों के साथ चर्चा की। फरीदाबाद के अगले 20 साल के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर चर्चा के बाद VS कुंडू ने बताया कि स्मार्ट सिटी के लिए बनाए गए प्लान को FMDA के तहत आगे बढ़ाए जाने की प्रेजेंटेशन देखी है। स्मार्ट सिटी के तहत 2041 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 63% तक बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। साथ ही फरीदाबाद में सिटी बस की 22 बसें शुरू हो चुकी हैं, बाकी बसें भी जल्द शुरू करने की बात कही गई है। बता दें कि ग्रेटर फरीदाबाद को भी इस प्लान में लिया गया है। VS कुंडू ने कहा कि वे चाहते हैं कि फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी हो, जिसके लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है। ने देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 63% 2041 तक 63% यातायात की जो ज़रूरतें हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पूरी होंगी। तो ये तो प्लान करेंगे और करते ही रहेंगे, कंटिन्यूस प्रोसेस है। सर, ऐसी कोई सूचना है कि योगी गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा गया है कि बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए प्लान किया जाए, कुछ आपकी जानकारी में, चूंकि आप FMDA के? मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये हमारे विचार में ज़रूर है कि ऐसा होना चाहिए और हमारे CMP में भी इसको रिफ्लेक्ट किया गया है कि ये कनेक्शन होना चाहिए, मेट्रो कनेक्शन भी होना चाहिए और रोड कनेक्शन भी होना चाहिए। क्या ये 20 साल का प्लान लेके चल रहे हैं आप 2041 तक का? हाँ, 2041 तक का 20 साल का प्लान लेके चल रहे हैं। जिस तरह से प्रेजेंटेशन देखी जाती है सर, बड़े ऐसा लगता है जैसे भविष्य के बड़े सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जमीन पर इस तरह आपको क्या ऐसा लगता है कि भविष्य सुनहरा नहीं है? डॉक्यूमेंट भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है और फरीदाबाद का भविष्य भी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले निधि समर्पण अभियान को लेकर गुरुग्राम में शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुग्राम जिले में चारों तरफ बैनर और झंडा लगाकर शहर में आयोजित की गई शोभा यात्रा में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। राम जी का जो अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए पूरे देश में जगजाहिर अभियान है कि भगवान श्री राम के मंदिर के लिए पूरे देश के जो हिंदू समाज है, अन्य समाज है, वो चाहे 10 रुपए दे चाहे 1 रुपया दे, जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार भगवान भव्य राम मंदिर जो बन रहा है उसके लिए अपना तरफ से दान दे, ताकि सबके मन में जो संकल्प था वर्षों पुराना, 1.5 लाख भगवान श्री राम के भक्त अयोध्या मंदिर के लिए अपनी जिन्होंने कुर्बानी दी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वो अपने पास से चाहे 1 रुपया चाहे 10 रुपया इस मंदिर के सहयोग करें। ये यात्रा जो हमारा द्रोणाचार्य खोली जाए वहाँ से निकलते हुए सदर बाजार होते हुए अब यहाँ से गुरुद्वारा रोड से निकल रही है। 492 सालों के बाद जब हमारा राम मंदिर बनने का निर्णय आया है तो हम सारे समाज में, सभी संगठन, सभी समुदाय, व्यापारी, राष्ट्रभक्त, व्यवसायी, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, इस गर्व की अनुभूति हो, इसलिए हम हर घर में जाएंगे। यहाँ चंदे की बात नहीं है, संपर्क की बात है। हम राम के बारे में सारे समाज को आंदोलित करना चाहते हैं और उनको शांतिपूर्वक श्रेष्ठ कामों में, राष्ट्र के निर्माण में लगाना। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में BJP कार्यकर्ताओं ने मैन बाजार से होते हुए झंडा यात्रा निकाली। दरअसल दिल्ली में लाल किले पर हुए घमासान के विरोध में यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई और BJP के कार्यकर्ता टिपर चंद शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाल किले पर लोगों के घुसने और झंडे फहराए जाने का वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरासर देश का अपमान है। गणतंत्र दिवस था हमारा, लाल किले पे कुछ गलत आदमियों ने तिरंगे का जो अपमान किया, हम बल्लौर के लोग उसका विरोध जताते हैं। ये तिरंगा यात्रा कहाँ से और कहाँ तक निकाली जाएगी? हमारी अम्बेडकर बाबा से चौक से निकल के बड़ा जागर हुसैन चौक, उसके बाद गुप्ता होटल, ऐसे निकलेंगे मेन बाजार होते। जो किसान कह रहे हैं बीजेपी का बंदा था, बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसने लाल किले पर झंडा फहराया, क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, बीजेपी का नहीं था, ना ही वो कोई किसान था, वो कुछ आतंकवादी तत्व के लोग बीच में आए हुए हैं, वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो इस पवित्र जगह को अपमान करना चाहते हैं, और जो हमारा झंडे का अपमान हुआ है उसका विरोध। लाल किले पे जो तांडव हुआ क्या वो सही था आपकी नजर में? बिल्कुल गलत हुआ है, इसी का आज हम उसी के विरोध में, तो आज के विरोध में आज हम तिरंगा झंडा निकाल रहे हैं। वो लोग किसान नहीं थे, वो देश में विद्रोह फैलाना चाहते थे। कभी कभी जब जब भी ऐसे लोग देश में घुसने की कोशिश करते हैं, देश इस अपमान को सहन नहीं करेगा। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, क्या किसानों के आंदोलन से कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके यहाँ? नहीं, किसानों से कोई मतलब नहीं है, किसान बेचारे भोले वाले कुछ लोग हैं जिनको कुछ असामाजिक तत्व खराब कर रहे हैं। यूपी के जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन पंगरा मार्ग पर दिन दहाड़े युवक से लाखों की लूट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने युवक से लाखों रुपयों से भरा बैग छीनकर भागने में कामयाबी हासिल कर ली। जानकारी के मुताबिक बदमाशों के पास तमंचा भी था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, आपने कितने रुपए निकाले? 1,45,000। हुआ क्या है मामला यहाँ? यहाँ दो लोग आए, उन्होंने हमारी बाइक को डिसबैलेंस किया, उसके बाद हम गिर पड़े, बैग निकाल के चले गए। अच्छा, एक ही बैग को गाड़ी खुद सीधी देख पाया आप? झोला था उसमें, बैग झोले के अंदर था, वो झोला निकाल के। अच्छा, आपने कुछ पहचान कर पाई? नहीं, कुछ नहीं कर पाई। ये देखा कि बुलेट से दो लोग हेलमेट लगाए थे, वो भी हम भी हेलमेट लगाए थे। अच्छा, किस कलर की थी? नहीं, ये नहीं देख पाया कलर। राघवेंद्र सिंह थे जी, उनके साथ जो है सूचना मिली है, उन्होंने सूचना दी है पुलिस को कि लूट की घटना उनके साथ हुई है जी। मामले की जाँच की जा रही है और जाँच के बाद जो है विधिक कार्रवाई की। यूपी के मैनपुरी के थाना ओछा क्षेत्र के ग्राम कटिगरा गांव में नाबालिग के साथ तीन लोगों ने दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी को सुबह 6 बजे के समय घने कोहरे में नाबालिग खेत में गई हुई थी, तभी गांव के ही तीन युवकों ने लड़की को गाड़ी में अगवा कर फरार हो गए। तीनों लोगों ने नाबालिग को 8 दिनों तक बंधक बनाकर रखा, उसके साथ सामूहिक गैंगरेप किया। पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए लड़की को बचा लिया, लेकिन तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। हम सुबह निकले थे शौच क्रिया करने के लिए 6 बजे, तो एक कबीला गाड़ी वहीं खड़ी थी, उसमें तीन लोग थे, तो वो जबरदस्ती गाड़ी में डाल के ले गए मुझे और 8 दिन तक गंदे काम किए मेरे साथ एक एक करके। और फिर उन्होंने ये बोला किसी से कहा तो हम अपने जान से मार देंगे। वो लोग क्या, आप उनको जानते हैं, क्या नाम है उनके? उनके हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित चावला कॉलोनी के एक मकान की छत से एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ये लाश करीब 15 से 20 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसे एक पॉलीथिन में डालकर छत पर रखे ड्रम में डाल दिया गया था और उसके ऊपर पलस्तर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कॉलोनी ये शिव मंदिर के पीछे हमारे घर के सामने आज एक घटना घट गई है, उसमें इनके जिनके घर में ये डेड बॉडी निकली है, ये हमारे पास आए, तो ये अभी भी दोनों ये बोलने लगे कि हमारे ऊपर एक ड्राम है, ड्राम के ऊपर कोई ऐसी बदबू आ रही है, उसके अंदर स्मेल सी ज़्यादा आ रही है। तो जब उनसे और पूछा गया, कह रहे ऊपर से POP है, उसके अंदर कोई तरल पदार्थ सा निकल रहा है, तेल जैसा, पानी जैसा। तो हमने जब देखा कि ऐसी कोई बात है, तो उन्होंने पुलिस को, लोकल पुलिस को बुलाया, तब उसको जब खोल के देखा तो उसके अंदर एक गांठ है सफ़ेद सी, कपड़े से बांध रखे सफ़ेद चादर से, और वो टुकड़ों के अंदर काट के उसके अंदर भरा हुआ।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।